गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में विज्ञान और इसके संदर्भ में हमने कल पढ़ा था दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या देन है और ये कुछ डायग्राम्स थे जो मैंने आपको बनाने के लिए बोला था। ये डायग्राम हमको ये भी दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें विज्ञान के द्वारा अर्थात साइंस के द्वारा हमें कौन कौन सी नई नई चीज़ें हमें मिली हैं, इन सारी चीज़ों ने हमारे जीवन को क्या बनाया है, थोड़ा सा इजी बनाया है, आसान बनाया है। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। इसका मतलब ये है कि परंपरागत मतलब पहले हम कैसे साधनों का उपयोग करते थे और आज हम किन साधनों का उपयोग करते हैं, और आज अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य के विभिन्न क्षेत्रों में साइंस की जो भूमिका रही है, विज्ञान की जो भूमिका रही है, इसको आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने अपना योगदान दिया ही है हर क्षेत्र में। अभी आपको मैं बताऊंगी कि किस किस क्षेत्र में विज्ञान ने अपना योगदान दिया है। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में होने वाले बहुत से कार्यों को आसान बना ही दिया है। जैसे पहले हम कहीं अगर हमको जाना होता था तो हमारे पास कोई साधन नहीं था, हमको केवल पैदल जाना होता था। उसके बाद बैलगाड़ी आई, उसके बाद साइकिल आया, आज लोगों के पास स्कूटर है, बाइक है, कार है, ट्रेन है, प्लेन है। तो आसान तो हमारी लाइफ पहले से हो ही गई है। पहले अगर हमको जैसे अगर बहुत पुराने ज़माने की बात करें तो ऋषि मुनियों को अगर यहाँ से अगर दिल्ली जाना है, गाजीपुर से दिल्ली, तो वो जाने में उनको 6 दिन 10 दिन उनको लग जाते थे। आज क्या उतना टाइम लगता है? तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि विज्ञान ने दैनिक जीवन के जो हमारे कार्य है उसको किस तरह से इजी बनाया है। चित्र 1.2 में परंपरागत एवं वर्तमान में प्रयोग होने वाले साधनों को दर्शाया गया है। तो ये चित्र 1.2 है, इसको मैंने आपको बनाने को बोला था। और इसमें ये चीज़ है, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक नहीं है, ये चीज़ें हमें प्रकृति ने नहीं दी है, बल्कि ये चीज़ें विज्ञान के द्वारा अर्थात वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई हैं, जिसके वजह से क्या हुआ है, आज हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, वो बहुत ईजी हो गई है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक तालिका है, टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 1.1। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि विज्ञान ने किन किन क्षेत्रों में अपनी भागीदारी को निभाया है। जैसे अगर हम भोजन के बारे में बात करें तो परंपरागत मतलब पहले जो भोजन बनाने के लिए जो साधन प्रयोग में लाए जाते थे वो क्या थे, मिट्टी का चूल्हा पहले हुआ करता था घरों में। आज भी गाँव में आपको मिट्टी का चूल्हा देखने को मिल जाएगा। पहले मिट्टी के पारंपरिक बर्तन होते थे, धातुओं से निर्मित बर्तन होते थे, विशेषकर वो लोहे के होते थे। आज क्या ये सारी चीज़ें आपको हर घर में दिखने को मिलेंगी? नहीं। आज हमें हर घर में दिखने को क्या मिलता है? वर्तमान में विज्ञान ने हमको क्या दिया है? हमारे पास लगभग सभी घरों में गैस चूल्हा मौजूद है, विद्युत ओवन है जिसको आप माइक्रो ओवन भी बोलते हो, उसके बाद सोलर कुकर है, प्रेशर कुकर है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन में बोलते हैं कि जंग नहीं लगता है। नॉन स्टिक बर्तन है, इंडक्शन चूल्हा है। इंडक्शन चूल्हा आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और खाना इसमें काफ़ी तेज़ बनता है। नॉन स्टिक बर्तन, बहुत कम ऑयल में भी इसमें खाना बनाया जा सकता है। तो ये सारे कुछ विज्ञान की देन वाली वस्तुएं हैं। कृषि के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पहले कृषि के क्षेत्र में जो साधनों का उपयोग होता था, हल, बैल, कुआँ, रहट, गोबर की खाद, ये सब पहले उपयोग में किया जाता था। लेकिन आज विज्ञान में किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? ट्रैक्टर है। खेतों में आपको अब उतना ज़्यादा बैल का प्रयोग आपको नहीं दिखने को मिलेगा, लोग ट्रैक्टर से अपने खेतों की खुदाई करते हैं या सिंचाई वगैरह में उसको हेल्प लेते हैं। नहरें मिलेंगी, ट्यूबवेल मिलेगा, रासायनिक उर्वरक, पहले जो खाद होती थी उसमें गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। उसमें भी क्या, यूरिया, फॉस्फेट, पोटैश, फिर आज उन्नत किस्म की बीजें आ गई हैं जिससे बहुत ही कम समय में, कम लागत में ही काफ़ी अच्छी फसल की पैदावार होती है। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है ताकि हमारे जो फसलें हैं उस पे कीड़े ना लगें। यातायात में पहले बैलगाड़ी था, तांगा था, ऊँट का, घोड़ा गाड़ी और खच्चर आदि का प्रयोग किया जाता था। ये पहले के टाइम में प्रयोग होने वाली वस्तुएँ हैं। लेकिन आज क्या प्रयोग किया जाता है यातायात में? साइकिलों का प्रयोग किया जाता है, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान, पानी का जहाज़।
जिसके द्वारा क्या हुआ है, मानव लाइफ पहले से आसान बना है। मनोरंजन के लिए पहले टाइम के लोग क्या करते थे, वो नाटक करते थे, नौटंकी देखते थे, बिरहा एक प्रकार का म्यूज़िक है, कठपुतली डांस देखते थे, नृत्य देखते थे। आज लोग क्या करते हैं मनोरंजन के लिए, लोग रेडियो सुनते हैं, ट्रांजिस्टर सुनते हैं। ये भी रेडियो ट्रांजिस्टर पुराना ही हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के घर में आपको देखने को मिलेगा। टेलीविज़न, आप सभी लोग टीवी देखते होंगे इस टाइम, तो लॉकडाउन है तो आप बच्चे हो तो कुछ ज़्यादा ही आप टीवी देख रहे होंगे। पिक्चर देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम भी आप लोग खेलते होंगे, और DVD आदि मूवीज़ देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सब क्या है, वर्तमान में विज्ञान की देन वाली वस्तुएँ हैं। संचार के लिए, संचार मतलब होता है किसी मैसेज को, किसी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जिस भी साधन का प्रयोग किया जाता है उसे हम संचार कहते हैं। अब जैसे मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा ले रही हूँ, इंटरनेट का सहारा ले रही हूँ। तो ये इंटरनेट भी हमें क्या है, विज्ञान की देन की वजह से ही तो हमें आज ये सारी चीज़ों ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। तो पहले के टाइम में संचार के लिए क्या यूज़ होता था, संदेशवाहक। माने संदेशवाहक लोग, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में कि लोग कबूतर वगैरह का यूज़ करते थे, उसके गले में चिट्ठी वगैरह बांध देते थे और वो दूसरे स्थान पर ले जाकर उसको पहुंचा देता था। कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो पर्टिकुलर, जैसे आप लोग जानते होंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति राजा महाराजा के टाइम में हुआ करते थे जो केवल संदेशों को ही एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करते थे। जैसे आज के में आप देख लो कि जो पोस्टमैन होते हैं, कुछ उस तरह से डाकघर हुआ करते थे डाक द्वारा। आज क्या है, पहले चिट्ठी आनी होती थी तो उसको आने में 1-2 महीना लग जाता था। हमको कोई बात आज अर्जेंटली कुछ बात बतानी है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति को पता चलती थी 2-3 महीने बाद। लेकिन आज क्या है, आज तुरंत हम किसी भी व्यक्ति से तुरंत हम बात कर सकते हैं। कैसे, टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, फैक्स के ज़रिए, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट, इन सब के ज़रिए। और ये सब क्या है, वर्तमान की वस्तुएँ हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं, पहले रोगों की जांच हेतु नाड़ी देखकर, मतलब नाड़ी मतलब होता है नस देखकर, या अनुमान द्वारा कि हाँ व्यक्ति को ये बीमारी होगी ऐसे। लेकिन आज क्या होता है, मल मूत्र, खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, ये सारे कुछ टेस्ट हैं जिसके द्वारा व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि व्यक्ति को कौन सा रोग है। उपचार हेतु दवाएँ, पहले हम क्या प्रयोग में लाते थे, जड़ी बूटियाँ, झाड़ फूँक करते थे, घरेलू उपचार कुछ यूज़ में लाया जाता था। लेकिन आज हम क्या करते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एंटीबायोटिक, एनालजेसिक, एंटीसेप्टिक दवाओं एवं शल्य क्रिया द्वारा, शल्य क्रिया मतलब होता है ऑपरेशन के द्वारा। शिक्षा पहले टाइम की कैसी थी, गुरुकुल प्रणाली का यूज़ करते थे, मतलब बच्चे जो होते थे वो अपने गुरुओं के पास चले जाते थे, वहीं पर जाके रहते थे। विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्यापन, मतलब वही चौक, डस्टर, बोर्ड, इसी तरह से पारंपरिक ढंग से, या पेड़ के नीचे बैठ के जो गुरु होते थे वो पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और शिष्य ज़मीन पर बैठे होते थे। तो उस तरह की कुछ शिक्षा प्रणाली थी जो पहले थी। आज क्या है, आज प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, इंटरनेट का यूज़ किया जाता है पढ़ाने के लिए। दूरस्थ क्षेत्र में स्थित छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्ता परक शिक्षा, एडुसैट, एडुसैट का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है एजुकेशन सैटेलाइट, आप लोग लिख लेना, एडुसैट का फुल फॉर्म है, EDU से है एजुकेशन और SAT से है सैटेलाइट नामक शैक्षिक उपग्रह के द्वारा। तो इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बच्चों को शिक्षित करने के लिए। अंतरिक्ष में पहले साधारण दूरबीन, वेधशालाएँ उपस्थित थीं केवल, लेकिन आज हम अंतरिक्ष में चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 भी गया था लेकिन वो सफल तो नहीं हो पाया, रडार, मंगलयान को भी आपको पता है हम भेज चुके हैं। उसके बाद रक्षा के क्षेत्र में पहले लोग, आपने देखा होगा, भाला, तलवार, तीर, धनुष, गदा आदि का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या आया है, बंदूक, पिस्तौल, तोप, टैंकर, मिसाइल, परमाणु बम आदि। तो ये सारी, इसमें जो जितनी भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये हम वर्तमान अर्थात आज के परिप्रेक्ष्य में हमें देखने को मिलती हैं कि ये सारी चीज़ें हमें विज्ञान द्वारा प्रदत्त हैं, जिसने कि आपको पता चल रहा होगा कि हमारी लाइफ को बहुत इजी बनाया है। तो सोच के देखना, थोड़ा सा इस पर चिंतन करना, और ये जो जितने भी सारे यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये 1-9 तक, ये सारे आपको अपने कॉपी के वाइट पेज पर पेंसिल से लिखना है बिल्कुल ऐसे ही। और जिसकी भी बुक मेरे बुक से मैच नहीं कर रही है, मैं आज से बुक की फ़ोटो भी
ग्रुप में डाल दे रही हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। और कल जो मैंने होमवर्क दिया था, किसी बच्चे ने मुझे भी करके नहीं दिखाया, तो कम से कम एक तो आप तो लोग दिखा ही सकते हो, सारे मत भी दिखाओ। लेकिन इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप लोग पंक्चुअल हो और काफ़ी ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हो। थैंक यू।